मुंगेर पुलिस का एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी भजन कार्यक्रम में भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मधुर आवाज के श्रोता भी दीवाने हो गए। वायरल वीडियो खड़गपुर बड़ी दुर्गा मंदिर का निकला, जहां दो दिन पहले मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बाहर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हवेली खड़गपुर के थाना अध्यक्ष नीरज कुमार अपने अलग अंदाज में दिखे और उन्होंने भजन से समा बांध दिया। देर रात तक श्रद्धालु भक्ति भजन की रसधारा में गोते लगाते रहे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ सकल जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मोकामा में भारतीय खाद्य निगम से अनाज का उठाव बंद हो गया है। मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछले 14 नवंबर को गोदाम प्रबंधक सुरेश चंद्रा की असामाजिक तत्वों ने जमकर पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद खाद्य निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर काम करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर बार एसडीओ कुंदन कुमार ने गोदाम कर्मियों से वार्ता कर समस्या के निदान की का आश्वासन दिया है। नवादा खनन विभाग द्वारा बालू उठाव रोकने को लेकर ग्रामीणों ने समाहरणालय में डीएम को आवेदन दिया। लोगों का कहना है कि बालू उठाव से सिंचाई होने में काफी परेशानी हो रही है, इससे धान और गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। वहीं मुहाना से नवादा सूर्य मंदिर के घाट में छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिससे नवादा के सभी छठ व्रतियों को भी छठ का अर्घ्य देने में मुश्किल होगी। ठंड का मौसम आते ही रैन बसेरों की फिक्र सबको होने लगती है। नालंदा में बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के करगिल बस स्टैंड में रैन बसेरा तैयार कर दिया गया है। इस दौरान रैन बसेरा में 17 बेड लगाए गए हैं, जहां लोग ठंड के मौसम में खुले आसमानों के नीचे न रहकर इस रैन बसेरा में रात गुजारने का काम करेंगे। हालांकि लोगों को ठहरने के बाद खाने पीने की यहाँ सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। यहाँ कारगिल बस स्टैंड रैन बसेरा है, यहाँ सुविधा है रहने के लिए, कंबल मिलता है रात को, मच्छरदानी मिलता है और खाना भी मिलता है जो ठहरते हैं उनको। कितना लोग आते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन करीब 6-7 लोग आ जाते हैं और कभी कभी फूल भी हो जाता है, जो 17 पेड़ है वो करीब करीब फूल हो जाता है। नहीं मिलने की बात आ रही है सामने? नहीं सर, मिलता है।